संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि यह ऐतिहासिक बंद है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश को तबाह और बर्बाद कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। लाखों करोड़ों लोग जो काम कर रहे थे वो काम से हट गए, हटा दिए गए। बेकारी का ये मंजर आजादी के बाद किसी ने देखा नहीं था। सरकार की, मोदी सरकार की पागलपन और बहशियानी आर्थिक नीति ने एक झटके में 12.5 लाख लोगों को जो काम पर लगे थे उन्हें बेकार कर दिया। जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित कर रहे थे पूरा हॉल संयुक्त राष्ट्र संघ का खाली था और वही बताते रहे कि एक चाय बेचने वाला भारत के अंदर प्रधानमंत्री बन गया, हमारे लोकतंत्र में कितनी शक्ति है। कोई अखबार आपको नहीं सुन रहा, आप इस देश के अंदर यही देश के समाचार पत्र और यहां के टीवी खूब आपका गुणगान करते हैं क्योंकि रुपया बांट रहे हैं अरबों खरबों रुपया। आपने तो इमरजेंसी के भी हाथ पैर तोड़ दिए, सारा का सारा मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म करके उसे खरीद लिया। मोदी जी के नाम पर सुबह घर से निकलते हैं मीडिया के लोग और दो चुटकी सिंदूर अपने सर में डाल करके घूमते हैं मोदी के नाम पर। किसान भाइयों, साथियों, नौजवान दोस्तों, मजदूर भाइयों, व्यापारी साथियों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, मैं आपसे कुछ मिनटों में जो भारत बंद का आयोजन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चे ने किया है, जिस पर तमाम किसान, युवा, नौजवान, महिला संगठनों ने और ट्रेड यूनियंस ने अपना समर्थन दिया है, उस संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि यह ऐतिहासिक बंद है। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश को तबाह और बर्बाद कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। लाखों करोड़ों लोग जो काम कर रहे थे वो काम से हट गए, हटा दिए गए। बेकारी का ये मंजर आजादी के बाद किसी ने देखा नहीं था। सरकार की, मोदी सरकार की पागलपन और बहशियानी आर्थिक नीति ने एक झटके में 12.5 लाख लोगों को जो काम पर लगे थे उन्हें बेकार कर दिया। महंगाई आसमान में, इसकी चर्चा क्या करने की जरूरत है। किसान आंदोलन की राह पर है, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहानपुर बॉर्डर और पलवल पर पिछले 10 महीनों से बैठे हैं। उनके समर्थन में लाखों लाख किसान, विद्यार्थी, नौजवान, ट्रेड यूनियंस के लोग समर्थन में है। किसानों की मांगों की समर्थन में देश के सभी बैंक कर्मचारियों ने एक दिन का उपवास रखा, महिलाओं ने प्रदर्शन किए। आज सरकार और उसकी आर्थिक नीतियां कहां पहुंच गई हैं, देश का मान और सम्मान भी खत्म हो गया। 3 दिन से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने गए थे। जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित कर रहे थे पूरा हॉल संयुक्त राष्ट्र संघ का खाली था और वही बताते रहे कि एक चाय बेचने वाला भारत के अंदर प्रधानमंत्री बन गया, हमारे लोकतंत्र में कितनी शक्ति है। और आप उस लोकतंत्र को तबाह करने पर लगे। लोकतंत्र में संवाद होता है, आप संवाद नहीं कर रहे हैं। किसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप किसानों से बात नहीं कर रहे हैं। 11 जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से बात करना बंद कर दिया। क्या बात है, 3 कृषि संबंधी कानून जो रास्ता खोलते हैं भारत के खेत खलिहान को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में और 2-3 कॉरपोरेट घरानों के हाथ में गिरवी रखने का। क्या मांग कर रहे हैं किसान कि उनके उत्पादन का, कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो और उसकी खरीद की कानूनी गारंटी हो। 60 लाख करोड़ के देश के राज्यों के बिजली बोर्ड, उनका निजीकरण और करके जो जनता के टैक्स से बना, जो पिछले 70 साल में हमारी अर्थव्यवस्था और विकास की नई कहानी रखी है जिन्होंने, आप उन्हें बिजली बिल 2020 के माध्यम से निजी हाथों में बेचने की तैयारी कर रहे हैं और देश के किसान और देश के नौजवान, देश के पढ़े लिखे इंसान,
देश के बुद्धिजीवी, देश के मजदूर वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप कोई बात ही नहीं करना चाहते मोदी जी, आपसे कमला हैरिस, सुश्री कमला हैरिस, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति, किस तरह से उन्होंने आपसे बातचीत की, क्या आपसे कहा, आपको याद है? इतनी बेइज्जती किसी प्रधानमंत्री की अमेरिका में पहले कभी नहीं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने आपको बुलाया और बुला के कहा यह कुर्सी है जिस पर मैं वाइस प्रेसिडेंट होकर के बैठा करता था, बैठ जाइए इसी पर, इनसे बात की और बात करने के बाद नमस्कार किया और दरवाजे तक छोड़ने भी नहीं आए। कुछ पत्रकार जो टोली के सदस्य हैं मोदी जी के, वो घूम रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, उन्होंने रास्ता दिखा दीजिए, हमें आपसे कोई बातचीत नहीं करनी, दरवाजा दिखा दिया रास्ता। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक एंड यूएसए टुडे तक, स्ट्रीट वॉल जर्नल तक प्रधानमंत्री के, नरेंद्र मोदी जी के आगमन की और उनकी गतिविधियों की खबर ही नहीं छपी। यह सेंसेक्स डाउन हो गया हमारे प्रधानमंत्री का, दुनिया के सबसे बड़े 140 करोड़ के देश के लोकतंत्रवासी, उनका असम्मान कराया है नरेंद्र मोदी ने। और उसका मूल कारण यह है कि कभी दुनिया का कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करता। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाकर के, अभी जो पराजित राष्ट्रपति हो, समय के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, और देख लीजिए क्या हाल हुआ आपका। आपने देश के मान सम्मान को कटवा दिया नरेंद्र मोदी जी। कोई अखबार आपको नहीं सुन रहा, आप इस देश के अंदर, यही देश के समाचार पत्र और यहां के टीवी खूब आपका गुणगान करते हैं, क्योंकि रुपया बांट रहे हैं अरबों खरबों रुपया। रोज अखबारों को 3 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए जा रहे हैं। कहा जाता है इमरजेंसी में अखबार और मीडिया पर कुछ अंकुश लगा था, आपने तो इमरजेंसी के भी हाथ पैर तोड़ दिए, सारा का सारा मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म करके उसे खरीद लिया। और कुछ लोग हैं जो बिक गए, दिन रात उठ के निकलते हैं। कुछ पुरुष हैं जो मोदी जी के नाम पर सुबह घर से निकलते हैं मीडिया के लोग, और दो चुटकी सिंदूर अपने सर में डाल करके घूमते हैं मोदी के नाम पर। देश की यह दुर्गति कर दी। लेकिन आज देश के जवान खड़े हुए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, इसलिए इस अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है भारत बंद 27 सितंबर को। पांडिचेरी दक्षिण भारत का राज्य बंद रहेगा, तमिलनाडु की स्टालिन के नेतृत्व में चल रही सरकार ने और वहां की मोर्चे के तमाम घटकों ने नैतिक समर्थन इस बंद को दिया है। केरल की वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे, जिसकी सरकार है कम्युनिस्टों की, उन्होंने भी लोग इस बंद को नैतिक समर्थन दिया है। कर्नाटक की सरकार ने दिया है, सरकार ने नहीं दिया, जनता ने दिया है। महाराष्ट्र की सरकार के अंदर एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, CPI-ML, फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इन्होंने समर्थन दिया है। देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम घोषणा की है कि हम इस 27 सितंबर के भारत बंद का समर्थन करेंगे। दिल्ली की सरकार चलाने वाली आप पार्टी ने भी खुला समर्थन देने की बात कही। पंजाब और हरियाणा की जनता ने ऐलान किया है कि 27 तारीख को पंजाब और हरियाणा बंद रहेगा, हिमाचल बंद रहेगा, वादियां बंद रहेंगी, झारखंड के, झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार है, सीपीआई, सीपीएम, CPI-ML, एनसीपी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित तमाम ट्रेड यूनियन, एटाक, सीटू, एचएमएस,
एक्ट टू, तमाम ट्रेड यूनियंस की मीटिंग रांची में हुई। नौजवानों के संगठन AISF, AYF, SFI, DYFI, इनकलाबी नौजवान सभा, इंडियन यूथ कांग्रेस, NSUI, सब लोगों की बैठक रांची में हुई। सबने कहा है कि 27 तारीख को शानदार बंद होगा। बिहार में परसों राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, नेता विपक्ष, राजद के नेता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राम नरेश पांडे जी, CPIML के कुणाल जी, CPM के वरिष्ठ नेता और तमाम पार्टी के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के द्वारा आहूत इस बंद को नैतिक समर्थन दिया है और बंद शानदार होगा। बंगाल भी बंद होगा, मणिपुर भी बंद होगा, उड़ीसा भी बंद होगा। अभी अभी खबर आई है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR कांग्रेस के नेता जगमोहन ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दिया राष्ट्रपति। तेलंगाना के अंदर CPI, CPM, कांग्रेस और तमाम दल, उन सब के नेताओं की बैठक हुई। उन्होंने कहा हम इसे इस बंद को समर्थन देंगे। व्यापक समर्थन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में समर्थन है। आइए इस सरकार की जन विरोधी नीति, हमारी मेरुदंड को तोड़ने की कोशिश, देश की अर्थव्यवस्था को गिरवी रखने की कोशिश, इतना कर्ज लाद दिया है देश के ऊपर इस मोदी सरकार ने, इस सरकार के खिलाफ एक संघर्ष का सिंहनाद है। आइए आप सब इसमें शामिल हुई है। बंद में अपने स्तर पर व्यापारी भाइयों सहयोग कीजिए। ये बंद सुबह 6 बजे से 4 बजे तक है, 4 बजे के बाद अपनी दुकानें खोलिए। इस बंद में हम एम्बुलेंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो चलेगी। पेट्रोल, डीजल और गैस के टैंकर चलेंगे, पीना का पानी ले जा रहे टैंकर चलेंगे, सारी दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी, वृद्धजनों को ले जा रही मोटर कार, बस चलेगी, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। लेकिन सार्वजनिक जीवन के अंदर कुछ घंटे सरकार की नीतियों के खिलाफ बगावत के दृष्टिकोण से अगर झंडा आप लहराएंगे तो इस सरकार को एक मजबूत छन्नाटेदार सबक दिया जाएगा, ताकि अब देश की जनता मोदी सरकार की दिवालिया आर्थिक नीतियों और दिवालिया सामाजिक नीति और इस देश की एकता को कमजोर और तोड़ने की सांप्रदायिक नीतियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे विश्वास है, मैं अतुल कुमार अंजान आप तमाम लोगों से यह अपील करता हूं कि इस बंद को शानदार बनाइए, इस बंद को जानदार बनाइए और इस बंद के अंदर को सफल बनाकर अपने हृदय में जो गुबार इस सरकार के खिलाफ 7 वर्षों की कार्यकाल का है उसको प्रकट कीजिए और संघर्षों को दिशा दीजिए।